पिछले साल 2019 के अंत में शुरू हुए नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शुरू से ही संभावना जताई जा रही थी कि इस साल 2020 के अंत तक वैक्सीन विकसित कर लिया जाएगा। कोविड वैक्सीन फाइजर को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने देश में अगले सप्ताह की शुरुआत में वैक्सीन के रिलीज करने का ऐलान किया है। इस क्रम में वैक्सीन व ड्रग के ट्रांसपोर्ट के मद्देनजर स्पाइसजेट की कार्गो सेवा स्पाइस एक्सप्रेस ने कोल्ड चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर से हाथ मिला लिया है। इन ड्रग्स व वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह नियंत्रित तापमान में ले जाने व लाने की सुविधा होगी। इसके अनुसार कार्गो सेवा ने विशेष सर्विस स्पाइस फार्मो प्रो की शुरुआत की है। वहीं अमेरिका ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध होते ही देश में वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।